टुडे यू आर हैविंग अ टेस्ट ऑफ योगा एंड CWSN, ठीक है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। योगा पहले कर लेते हैं। नॉर्मली योगा क्या है, इट्स अ संस्कृत वर्ड यूज, ठीक है बेटा। ये क्या है, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू बाइंड, टू अटैच, वट एवर इट इज, चौकर। अटैच किससे होना है बेटे, हमने अटैच किससे होना है, हमें अटैच होना है आत्मा ने परमात्मा के साथ, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, योगा। अलग अलग लोगों ने योगा के बारे में अलग अलग डेफिनेशन ली है, जैसे योगा इज समाधि, बिकॉज समाधि इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ योगा, ठीक है ना, जिसमें आत्मा का जो है शरीर चाहिए होता है, लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जो है वो काफी हद तक बन चुका होता है। नाउ वी ऑल नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि योगा जो है वो 90-95% ऑफ डिफॉर्मिटीज जो है, माइल्ड डिफॉर्मिटीज या जो नॉर्मल डिफॉर्मिटीज हैं, उनको रिमूव करने में हेल्पफुल होती है, अगर उनके बारे में हमें टाइमली पता चल जाए, ठीक है। जितनी ज्यादा हर चीज जो है, और आजकल तो आपने देखा होगा ड्यूरिंग पेंडेमिक, मैक्सिमम पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द योगा एंड दे फील द चेंज इन देयर बॉडी आफ्टर डूइंग दिस योगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिन्होंने, हमने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की या कोई काम नहीं किया, जब हम स्टार्ट करते हैं, वेदर फ्रॉम द डीप ब्रीदिंग ऑल्सो, ठीक है ना, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ हो जाती है, और जब एक ऑर्गन जो है वो प्रॉपर में आ जाए, वो दूसरे को भी हेल्पफुल होता है, या बर्डन जो है हर एक अपना अपना ले लेता है, और इसके कारण हमें वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्मूथनेस रहती है, हम हंसते खुश रहते हैं, रेस्ट प्रॉपर होता है, स्लीप प्रॉपर आती है, हड्डियों का जो जॉइंट्स हैं उनकी वर्किंग प्रॉपर हो जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाटएवर इज देयर, वी कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट थ्रू योगा। योगा के द्वारा हम मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है बेटा। हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और ऑब्वियसली जो माइंड रिलैक्स होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, वो मैक्सिमम आउटपुट देने में हेल्पफुल होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, बॉडी इंप्रूव हो जाती है, हम कई प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं, मेरी बैक की प्रॉब्लम थी, मैंने योगा की, ये आसन किए, मैं ठीक हो गया, या मुझे बीपी का था, या मुझे रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम थी, ये नहीं कि वो जड़ से, बट एट मैक्सिमम एक्सटेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, या हम कह सकते हैं हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं थ्रू योगा। अब योगा के मैंने आपको बताया था, इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अष्टांग भी कहते हैं, क्योंकि आपको ये पता है आसानी से कि हिंदी में 8 वर्ड को अष्ट बोलते हैं, हिंदी में अष्ट जो है दैट इज अष्टांग, दैट इज 8 एलिमेंट्स इन द 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, ठीक है बेटा। अगर हम कहें कि इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, बिकॉज दे आर सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना बच्चे, तो पहला कौन सा है, दैट इज यमा। विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा, तो हम कहेंगे क्या है, यमा है। दूसरा क्या है, नियमा है। तीसरा क्या है, आसना है। फोर्थ वन इज प्राणायाम। फिफ्थ वन इज प्रतिहारा। सिक्स वन इज धरना। सेवेंथ
सेवेंथ वन इज ध्याना एंड लास्ट वन इज समाधि. ये स्टेजेस है बेटा, ठीक है बेटा. हमें ये इसी सीक्वेंस में याद करना है. वी कांट मूव इट कि चलो जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो लिख दूं. अगर सिंपली आई जस्ट राइट द नेम्स ऑफ देन, बट इफ इट इज इन अ सीक्वेंस तो तुम्हें याद हमेशा ये सीक्वेंस में ही रखने हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? ये आपने सीक्वेंस में ही रखने हैं, इनका हेर फेर नहीं करना है कि मेरा मन करेगा मैं इसे लिख दूंगा या मेरा मन करेगा तो मैं इसे नहीं इसे बाद में लिखूंगा. नॉट लाइक दैट. यू हैव टू राइट इट इन अ सीक्वेंस मैनर, ठीक है. अगर मान लो क्वेश्चन ही आ जाए विच इज द सिक्स वन, देन यू हैव टू काउंट इट यमा नियमा आसना प्रणयाम प्रतिहारा, देन देयर इज अ धरना. धरना इज अ सिक्स एलिमेंट ऑफ योगा. Which is the fourth element? Pranayam is the fourth one. Fifth one is Pratyahara. You have to learn this in a proper manner. अब जो हमारे यमा हैं, यमा हमें क्या सिखाते हैं? यमा हमें टीचर्स देते हैं, वो है हमारी किस चीज के साथ? क्लींजिंग ऑफ सोल्स के साथ है. ये हमारी आत्मा को किस तरीके से हम साफ रख सकते हैं, क्योंकि उसको वॉश नहीं ऐसे किया जा सकता जैसे हम अपनी बॉडी को करते हैं. उसके लिए हमारे व्यूज, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग जो है, ठीक है, वहां पर क्या क्या आता है? नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ट्रुथफुल होना चाहिए, हमें हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना चाहिए, अपरिग्रह करना चाहिए, ठीक है ना, ग्रीडीनेस वगैरह, या हमें कंटेंटमेंट होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हमें. नियमा क्या है? नियम है हमारी असेंशियल टीचिंग एंड सेल्फ मेंटेनेंस, जिसमें पर्सनल एंड आउटर हाइजीन को हम इंक्लूड करते हैं. उसमें क्या है? साफ होना, संतोष रखना, हमें मॉडेस्टी को हेल्पफुल है, ठीक है बेटा. तपस करनी है, इसमें है कि अचीविंग गोल के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ठीक है बेटा. उसके बाद आता है आसन. आसन हम कहते हैं कि हमें आसन करने चाहिए, ये हम जैसे पहले भी बताया था, ये तीन टाइप के होते हैं. रिलैक्सेटिव होता है, क्यूरेटिव होता है और मेडिटेटिव होता है. अब इसके अंदर क्या है जो हम किस प्रकार से करते हैं? तो वो है खड़े होकर, बैठकर और लेटकर आसनों को किया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से. प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम है सिस्टमेटिक एंड रिदमिक वे ऑफ टेकिंग द ब्रीथ, सांस लेने का, सांस छोड़ने का, सांस को बॉडी के अंदर ठहराने के जो तरीके हैं उन्हें हम प्राणायाम के अंदर लाते हैं. अब ये जो प्राणायाम है इसमें भी क्या होता है, इसे हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला है पूरक, कुंभक और रीचक, ठीक है. कुंभक या पूरक क्या है? उसमें है हमने किस तरीके से सांस को लेना है, ठीक है ना बेटा. हमने सांस को किस तरीके से लेना है, उसे कितनी देर तक बॉडी में ठहराना है, उसके बाद उसको एक्सहेल किस तरीके से करना है. अलोम विलोम क्रिया में जैसे हम क्या करते हैं, मुंह से छोड़ते हैं, कई बार एक नोस्टिल से लेकर दूसरी नोस्टिल से निकालते हैं, कई बार हम दांतों को बंद करके और प्रेशर के साथ एयर को हम बाहर निकालते हैं. ये क्या चीजें हैं? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, ये तरीके हैं हम सांस को किस तरीके से ले सकते हैं और उसे बॉडी में ठहरा कर उसे वापस कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. उसके बाद है मेडिटेशन है, ठीक है ना बेटा. फिर हमारे पास आती है हम प्रतिहारा. अब प्रतिहारा क्या चीज है बेटा? ये है नॉर्मली प्रतिहारा हम कहते हैं अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को, जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं ना बेटे, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, उन्हें वश में करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक वो हमारे वश में नहीं होंगे, हम कोई भी कार्य जो है वो सही तरीके से, और वी कांट डू एनी वर्क इन अ प्रॉपर मैनर. हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है वो बहुत ही जरूरी है. देन ध्याना,
धरना इज देयर. धरना मीन्स दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ समाधि. समाधि की ये समाधि से पहले ये आती है, ठीक है बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, धरना जो है वो कंसंट्रेशन और कल्टीवेशन ऑफ इनर पर्सपल, ठीक है. हम कैसे कंट्रोल अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपनी हर चीज को करते हैं, उसके बाद है. उसके बाद ध्यान लगाना, ये है स्टेज जब हम समाधि से पहले लेते हैं ध्यान लगाना. नहीं तो हम क्या होता है, हम जब कहते हैं ना आजकल बड़ा जोर है मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन, इट इज नॉट सो इजी टू मेडिटेट. यस इट इज अ सेट वर्ड्स अ मेडिटेशन, लेकिन इतना आसान नहीं है मेडिटेट करना, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारे शरीर की क्रियाएं जो है वो लगातार चलती रहती हैं. हमारे मन में जो विचार हैं वो कंटिन्यू आते रहते हैं, जाते रहते हैं, द्वेष, घृणा, ठीक है, लड़ाई, सब उससे सुलह कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं हमारे दिमाग के अंदर ही द्वंद्व युद्ध चलता रहता है. तो वहां पर मेडिटेशन नहीं, हाँ अपने आप को काम करना, अपने बॉडी को प्रॉपर रखना, दैट इज देयर, बट इट इज अ वेरी टफ स्टेट टू रीच दैट पॉइंट. धरना, ध्याना और फिर समाधि में आना, ये तो बहुत ही बड़ी बात है जहां पर हमारा मिलन परमात्मा से होने वाला है, ठीक है बेटा. इसलिए ये सारी चीजें इसमें आती हैं. अब ये है कि कुछ योगिक क्रियाएं भी हैं जो योगा करते हैं या योगिक क्रियाएं करते हैं. क्रिया का मतलब है जैसे हम सुबह उठकर हमारी सवेर की क्रियाएं हैं, शाम की क्रियाएं हैं. आम देखा होगा सुबह उठकर आपने अपने घरों में कि जो बुजुर्ग हैं या मम्मी पापा ही हैं सारे, नॉट ओनली बुजुर्ग, दे यूज टू डू अ प्रेयर. नहीं टाइम है तो किचन वर्क करते हुए भी मम्मी या टेप रिकॉर्डर लगा लेते या मोबाइल पे, या पूजा पाठ का जो भी है वो हम करते हैं हर घर में. ऑलमोस्ट सुबह के टाइम जो है वो हमें एक गुड वाइब्रेशन देता है थ्रू द प्रेयर, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, रात के 6-7 घंटे के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो वो हमारा समय जो होता है वो फ्रेश होता है. और उस समय हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो शांत रहे और हम क्या करते हैं प्रभु में लीन होने की या प्रभु को याद करने की कोशिश करते हैं. अब योगिक क्रियाएं में क्या है, आम जो हमारी क्रियाएं हैं वो है सुबह उठना, हमारा काम करना है, ऑफिस जाना है या कहीं जा रहा है, तब हमने नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, अपने को साफ रखना है, या इन द सेम वे ड्यूरिंग सैटरडे और संडे हमारा क्या होता है, अगर बच्चे छोटे हैं उनकी क्लीनिंग करनी, क्लीनिंग इन द सेंस नेल्स वगैरह, ईयर ड्रॉप्स, ईयर क्लीनिंग करनी है, बाकी सब चीजें उसकी देखनी है, बैग साफ, ये आम क्रियाएं हैं. लेकिन योगिक क्रियाएं के अंदर है जो हम अपने इंटरनल बॉडी को साफ करते हैं, शौच रखते हैं, क्लीन करते हैं. हाउ वी क्लीन, ठीक है, एक होता है नेति. नेति है नेजल पैसेज को साफ करना, ठीक है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से हम रेस्पिरेशन, सांस लेते और छोड़ते हैं. और अधिक से अधिक सांस लेने का हमारी क्या है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जाए और मैक्सिमम एक्सहेल जो है हम वो कार्बन डाइऑक्साइड को करें, ठीक है ना बेटा. ये हमारी क्या है परफॉर्मेंस, इसे हम कहते हैं नीति. क्या कहते हैं बेटा, हम इसे कहते हैं नीति. क्लीनिंग ऑफ नेजल्स, ठीक है, ये हमारा नेजल पैसेज को क्लीन करना है. उसके बाद आता है कपाल भाति. नाम आपने बहुत बार सुना होगा जब योगा का कहीं पर भी या नॉर्मल आता है टीवी पर तो हम देखते हैं योगा कर रहे हैं वो बोलते हैं कपाल भाति करो, अलोम विलोम करो. ये आम शब्द है जो हम सुनते हैं लेकिन हमें इनका ज्ञान नहीं है कि एक्चुअली ये क्या चीजें हैं. कपाल भाति मीन्स अ शाइनिंग ऑफ अ फोर हेड. फोर हेड का मतलब है, कपाल का मतलब होता है फोर हेड, भाति का मतलब होता है दिया, लाइट या कोई भी चीज, इसको हम क्या कहते हैं भाति. अब ये क्या है, ग्लोइंग ऑफ अ हेड. ये नहीं यहाँ पे स्टार लग जाता है या चमक, इसका मतलब हमारा मन शांत होता है और जो आत्मा
या जो मनुष्य शांत रहता है उसके इनर रिफ्लेक्शन जो है वो आउटर पर जरूर आती है। दिस इज, हम कई बार बैठे बैठे दूसरे का देख लेते हैं कि ये बैठा तो है शांत, लेकिन इसके मन में या इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। आम ये हम महसूस कर लेते हैं, वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो हमें ये बता देती हैं कि ही इज नॉट प्रेजेंट, ही इज फिजिकली प्रेजेंट हियर बट मेंटली ही इज समवेयर एल्स। ठीक है ना, ये आम होता है बच्चों के, हर एक मनुष्य के दिमाग में है, जो हमेशा क्रियाएं इनमें चलती ही रहती हैं। उसके बाद आता है त्रतका। इसका मतलब क्या होता है? त्रतका का मतलब है हमने अपनी आईज की विजन को इम्प्रूव करनी है। हाउ वी कैन इम्प्रूव, ठीक है, ये हमें क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसेंट्रेशन है, पीस ऑफ माइंड देती है, मन जो है वो शांत रहता है। देन वस्ती, वस्ती इज टू क्लीन द लार्ज इंटेस्टाइन, गले से या उससे डालकर, और उसके बाद ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसे कपड़े को बाहर निकालते हैं, जिसे हम वस्ती कहते हैं। ठीक है, देन धोती इज देयर क्लेंजिंग ऑफ टंग एंड टीथ। आपने देखा होगा नॉर्मली आजकल तो चलो हम क्या करते हैं, टंग क्लीनर होता है प्लास्टिक का या दूसरा उसे, लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, दातुन करते थे पहले तो, वो नीम का या किक्कर का या किसी और का जो ब्रांच है उसको तोड़ के उसे चबाते थे, उससे क्या प्योरिफिकेशन भी होती थी एंड स्लाइवा बैड ब्रीथ जो थी वो खत्म हो जाती थी, और उसके बाद टंग क्लीनिंग के लिए वो नॉर्मली ऐसी चीजें यूज करते थे, ताकि हमारी जबान यहाँ पर साफ का मतलब है जस्ट टू क्लीन, बाकी साफ तो हमारी बोली से होती है, व्हाट वी स्पीक दैट इज आल्सो बी टू बी क्लीन वर्ड्स। न्योली क्या होता है, ये होता है मसाज ऑफ, जेंटल मसाज ऑफ स्टोमक, पेट की अच्छे से क्या है मसाज करना या मालिश करना, इसे हम कहते हैं। Why we do this? To enhance the power of digestive, ताकि पाचन क्रिया जो है हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और हमारा खाया पिया जो है हमें से हमें अच्छे से पचे, क्योंकि जब हम खाया पिया डाइजेस्ट अच्छा होगा ऑब्वियसली वो हमें ताकत देगा, ठीक है, हमारी बाकी चीजों को भी ठीक रखेगा। अब उसके बाद आता है कुछ आसन होते हैं, ठीक है ना, कुछ रिलैक्स करने के लिए आसन होते हैं, कुछ क्योर करने के लिए होते हैं, और इनके हैं सुखासन है, पद्मासन है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, गरुड़ासन है, शशांक आसन है, नौका आसन है। अब ये क्या चीजें हैं बेटे, इनके अलग अलग नाम भी हैं, कुछ नाम जो है वो प्रकृति की, वैसे तो तकरीबन नाम जो है वो प्राकृतिक के देन है। पद्मासन को लोटस आसन भी कहते हैं, वृक्षासन वृक्ष से जुड़ा हुआ है इसलिए हम उसे पेड़ को वृक्षासन कहते हैं या ट्री पोज कहते हैं इंग्लिश में, जब याद नहीं होता बच्चों को। ताड़ आसन है, माउंटेन आसन है, शशांक आसन है, हेयर जैसे खरगोश का बच्चा होता है या खरगोश होता है उस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। नौका आसन मीन्स बोट शेप में होता है, जहां पर हम अपनी बॉडी के सिर और पैरों को बॉडी को कर्व रख के और उसके बाद पकड़ते हैं, ये क्या है नौका आसन है। गरुड़ आसन है, यानी कि जिस शांति से गरुड़ जिस पर विष्णु जी क्या करते थे सवारी करते थे, उस प्रकार से टांगों को भी लपेट कर और हाथ को भी लपेट कर हम गरुड़ आसन की फॉर्मेशन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ ईगल पोज, क्या कहा जाता है उसे, ईगल पोज कहा जाता है। अब आता है हमारे पास योग निद्रा। योग निद्रा क्या है, ठीक है बेटा, इसे हम किसके अंडर लाते हैं, इसे हम योग निद्रा योग स्लीप भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, आराम से बॉडी को जब हम ग्रेट पूरी तरीके से होल बॉडी को हम रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है ना बेटा, उस समय क्या होता है, उस समय में हम योग निद्रा का प्रयोग करते हैं। इसका एक और नाम है, इसे कई बार लोग क्या कहते हैं, योगिक स्लीप, उनके योगिक स्लीप के अंदर होता है जो शरीर है अपने आप को अपने स्वयं देखना, ठीक है, आउटर नहीं इनर से महसूस करना, हर बॉडी पार्ट को हर चीज को हम
महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, शव आसन जो है वो सबसे अच्छा योगिक योगिक निद्रा के लिए या इसके लिए योगिक स्लीप के लिए बहुत अच्छा कौन सा आसन है, शव आसन है। शव आसन में ही मोस्टली ये क्रिया की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, हमारे हाथ पैरों को ढीला और खुला छोड़ दिया जाता है। आराम से हम क्या करते हैं, जमीन पर या मैट बिछाकर सीधे लेट जाते हैं। हमारे हाथ और पैर जो हैं वो खुले होते हैं। ठीक है बेटा, हम रिलैक्स फील करते हैं और हमारी बॉडी जो है वो हर एक हमारी बॉडी के पार्ट की तरफ कंसंट्रेट करती है, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। रिलैक्स होना और केवल अपने शरीर के बारे में ही सोचना या उसे महसूस करना। ठीक है, ये हमेशा जो है सोच विचार जो होता है वो लेफ्ट साइड से चलता है और राइट साइड की तरफ आता है। ठीक है बेटा, और इसमें हमारी जो ब्रीदिंग होती है, सांस लेने की क्रिया जो होती है वो सिस्टमैटिकली रिदमैटिकली होती है। ये नहीं जब दिल किया और दो मिनट बाद सो गए, मम्मा मैं तो शव क्रिया कर रहा हूँ, शव क्रिया ऐसे नहीं होती है। ठीक है, और पूरी बॉडी के पार्ट्स पर कंसंट्रेशन होती है हमारी, और फिर कंसंट्रेट करने के बाद रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द लेसन दैट इज योगा। अब हम करते हैं, क्योंकि आज आपका टेस्ट है ना, तो हम लेट अस डू द रिवीजन ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज CWS। अब ये क्या होता है बेटा, ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इनके लिए आजकल क्या है, एडेप्टिव एजुकेशन है। एडेप्टिव का मतलब होता है अडॉप्ट करना, इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, प्रोग्रामिंग्स जो है, ठीक है ना, आजकल ये गवर्नमेंट ने या वैसे भी इंक्लूसिव स्टडी को ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि हर प्रकार के बच्चे जो हैं अंडर वन रूफ दे कैन टेक द स्टडी। ये उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ऑब्वियसली जब हम अपने से बेटर चीज को देखते हैं वी ट्राई टू डू दैट, लेकिन अगर हम देखेंगे ही नहीं ऐसी चीजों को तो हम करने की क्षमता क्या हमारे में, चाहे कैपेबिलिटी हो लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हमारा लेवल, अगर एक फ्रॉग है अगर उसे कुएं में छोड़ेंगे ही नोज दैट मच एरिया, उसे लगता है ये एरिया तो मेरा नोन है या मुझे इसके बारे में सब पता है। जब उसे स्ट्रीम में लेके आते हैं देन ही फील्स ये बड़ा है, मैं इसके सराउंडिंग्स को कैसे देखूँ, how much time I will take, I'm just giving you the example, not to write anywhere regarding this. उसके बाद समुंदर में छोड़ने से वो struggle करता है और कई चीजों के benefits वो ले लेता है। इसी तरीके से एक ही provided areas में या एक ही प्रकार के लोगों में जब हम रहते हैं तो हमारी development, growth या हमारी improvement के chances comparatively कम होती हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम raise करते जाएं by a gradually and in a systematic way, तो हमारी क्या होती है, हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती है। The diagram this shows that, diagram पर मत जाना, सिर्फ ये देखना कि what I want to tell you, that is when you want to go to the roof, apex पे जाना चाहते हो तो direct तो नहीं है कि nursery के बाद आप 12th में या doctor बन जाते हो, there are steps. नर्सिंग क्लास के लिए भी है, जब एंट्री करते हो जब नर्सिंग क्लास आप पास कर लेते हो यू विल फील द चेंज। ऐसे ही स्टेप वाइज अगर वो इम्प्रूवमेंट आती जाएगी तो वो बहुत बेटर होगी उनके लिए। एडेप्टिव एजुकेशन क्या है, प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू देयर थिंग्स, ठीक है ना। अब नॉर्मली ये होता है कि हम गेम्स में या स्पोर्ट्स में ये चीजों का बहुत है, सब में होता है, लेकिन जो एम है अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का वो है बेटा सेम लाइक अ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है ना। वो एम क्या है, टू डेवलप, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड ऑल। इन द सेम वे अडेप्टिव के भी जो फिजिकल एजुकेशन का एम है, द मेन एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन दैट इज ऑल्सो to develop a physical fitness, motor fitness, skill, special skills of sports and games of a disabled children.
अब जो पूरे हमारे शरीर पूरे तरीके से है, ठीक है, वी आर हैविंग ईच एंड एवरी पार्ट एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर दिस टू द गॉड, लेकिन कोई ना कोई इंसिडेंटली, हेरिडिटली, बाय बर्थ, आफ्टर सम डिजीज और बाय एक्सीडेंटली, अगर हम वी लूज सम और अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो उससे क्या है, हमने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना, हमने फिर भी काम को या किसी तरीके से, बाय बर्थ भी आपने देखा होगा कई बच्चों की बाजू छोटी होती है, लेग्स का शॉर्ट होना, एक शॉर्ट होने, या कोई 1 ईयर इज नॉट, काफी चीजें ऐसी हम जो महसूस भी नहीं कर सकते, ऐसी चीजें कई बार होती हैं। तो क्या किया जाता है बेटे, इन्हें भी टू गिव अ प्रॉपर, ठीक है, ओवरऑल इनकी डेवलपमेंट करने के लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पेशल स्किल्स दी जाती हैं ताकि इनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब इनकी ऑब्जेक्टिव्स या सेम नहीं है, ऑब्जेक्टिव मेन एम है कि डेवलप, ठीक है, पर्सनालिटी। ऑब्जेक्टिव्स इनके क्या है वो हमसे थोड़े से नॉर्मल जो है फिजिकल एजुकेशन से वो डिफरेंट है। दैट इज प्रोवाइड सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट जिसमें वो खुश रहें, कोचिंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एबिलिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन। अगर लेग्स नहीं है या एक लेग में प्रॉब्लम है तो वी कैन प्रोवाइड देम अ व्हील और सम अदर, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा वो भी है बेटे, अगर आप नॉर्मली देखते हो, हम तो बाइक स्कूटर्स वगैरह नॉर्मल पीपल, लेकिन जो इस तरीके के होते हैं दे ऑल्सो हैव अ गुड कॉन्फिडेंस एंड दे कैन डू। तो हमने देखा होगा कि उनके जो व्हीकल्स हैं उसे मॉडिफाई किया जाता है जिसमें स्टेबिलिटी हो, पीछे दो टायर लगाकर, और बाइक जो है वो या जो एक्टिवास वगैरह उन्हें दिया जाता है और वो आराम से चलाते हैं। हमने काफी बार मार्केट में या वैसे भी अपने एरियाज में देखा होगा ये चीज। उनका मेडिकल चेकअप, क्योंकि धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है अगर वो हमें शो होने लगे तो वी कैन पुट देम इनटू सम अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज आल्सो, ठीक है ना, ये काम भी हमने करना होता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन, कि हमें आम व्यक्ति की भी हम मेडिकल चेकअप करते हैं बिफोर गिविंग एनी ट्रेनिंग, क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम्स का अपने का खुद नहीं पता होता है और जिसके कारण क्या होता है बेटा, हमें हमारी क्वालिटीज या हम इम्प्रूव या हम किसी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो इसके लिए मेडिकल चेकअप जो है वो बहुत जरूरी है। मोटर एबिलिटी, आपको पता है, मूवमेंट्स वगैरह जो हैं उनकी परफेक्शन का होना बहुत जरूरी है, और मोटर डेवलपमेंट के थ्रू इनोवेटिव या इजी वे या अलग तरीके सिखाए जाते हैं बच्चों को ताकि वो इन्हें अडॉप्ट कर सके और क्या कर सके बेटा, गुड रिजल्ट आसानी से दे सके, ठीक है। देन रिक्रिएशन, जो हमेशा चॉइस है, रिक्रिएशन मतलब टू गिव अ फन, रिक्रिएट करना, दोबारा उन्हें गुड एटमॉस्फेयर में लेकर आना, ये भी जरूरी है। मेजर गेम्स को मॉडिफाई करना, अब मैंने आपको पहले भी ये बताया है बेटे, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ पर्सन यू हैव टू गिव अ फैसिलिटीज, और जिससे वो आराम से उस गेम को कर सके। अगर मुझ में किसी चीज की कमी है, आई हैव टू प्रोवाइड दैट थिंग, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो इक्विटी होगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ इक्विटी, ठीक है ना, ये चीजें। और फिर इक्वालिटी दे सकते हैं हम, इक्विटी के बाद ही इक्वालिटी जो है वो दी जाती है। देन क्वालिफाइड स्किलफुल टीचर होने चाहिए, या टीचिंग्स या कोचिंग्स या टीचिंग्स होनी चाहिए ताकि इस चीज की नॉलेज हो। तभी आपको कहा गया था ना जब आपने क्लास ज्वाइन की थी फिजिकल एजुकेशन की, बेटा यू शुड लर्न द मसल्स एंड देयर लोकेशंस। ये क्यों जरूरी है, ताकि हमें ये तो पता होगी हमारी बॉडी में मसल्स कौन कौन से कहाँ पर लोकेट करती हैं, ताकि हम उसके बारे में ज्ञान और उसकी एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी के बारे में जान सके, ठीक है। देन स्पेशल ओलंपिक भारत, ये बने आपको सेकंड चैप्टर में, ओलंपिक वाले चैप्टर में भी करवाया हुआ है, दैट इज अ सेम थिंग, पैरा ओलंपिक इज आल्सो रिलेटेड विद दैट, कि इसमें क्लोजिंग ओपनिंग सेरेमनी, टॉर्च इज देयर, फ्लैग इज देयर, फ्लैग इज विद इंटरलिंक्ड है, वो ब्रदरहुड या गुड रिलेशन के लिए है, नॉलेज जो है वो हमें किससे मिलती है, हमें फ्लेम से मिलती है, ये सारी चीजों के बारे में है। इंक्लूसिव स्टडी इंक्लूड ऑल द थिंग्स और गिव ऑल फैसिलिटी टू ऑल द पीपल अंडर वन रूफ, ठीक है, जो हमें इन्हें
प्रोवाइड करती है नॉलेज, स्किल्स, इंफॉर्मेशन, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। अब इसमें है कि क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए इंक्लूसिव स्टडी में। पहले तो बिहेवियर, हमारा बिहेवियर जो है वो सबके साथ अच्छा होना चाहिए। इक्वल तो होना चाहिए लेकिन अच्छा भी होना चाहिए, बिकॉज समवेयर दीज टाइप्स ऑफ पीपल वांट्स लिटिल बिट मोर अट्रैक्शन, ताकि उन्हें वो चीजें आसानी से समझ आ सके, ताकि वो उसे आसानी से कर सके और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छे से बिल्ड हो चुके सके। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इसे आएगा ही नहीं, छोड़ दो, क्या पता चलता है, नो। पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स सच अ पीपल सो दैट दे कैन प्रोड्यूस अ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ठीक है ना, गुड रिजल्ट हो। सोशल इनका भी फिर क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होती है, दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ये बेटा कॉमन है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वी कांट लिव अलोन, वी कांट प्रोग्रेस अलोन, हम अकेले कुछ नहीं, क्योंकि हम हर इंसान से, इवन हम नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी, ठीक है बेटा। इसलिए क्या जरूरी है हमारा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम